तो भाई अभी मैंने हूँ घर पे यहाँ पे, और अभी मैं निकल रहा हूँ इधर से रोड की तरफ। अगर काफ़ी दिनों बाद घर आया हूँ तो घर पे जो है व्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो अभी जाऊँगा रोड पे, और अभी मैंने इनवाइट किया अपने फ्रेंड को भी, अपना कॉलेज फ्रेंड भी है और अपना जो है स्कूल फ्रेंड भी है। तो अभी वो भी आ रहा है, तो अभी निकलता हूँ रोड की तरफ और फिर वापस भी आना है मुझे। अभी देखते हैं, बस रील वगैरह और थोड़े बहुत स्टंट वगैरह करेंगे। वो शायद आएगा अपनी जो है स्प्लेंडर लेके, देखते हैं जरा क्या सीन बनता है। अगर स्प्लेंडर देगा भाई तो स्प्लेंडर पे भी ट्राई करूँगा व्हीली के लिए। वैसे दूसरे की बाइक पे जो थोड़ा डर लगता है ना, जो एक चट्टा उठा के देता हूँ आगे वाला जो है। ओहो कच्चा रोड है, टायर घूम रहा है पीछे वाला जो है। अच्छा दिक्कत मुझसे हो रही है शायद जो है ना, क्लच नहीं नहीं जो है मिट्टी है ना, मिट्टी और पत्थर है तो उसी में टायर घूम रहा है, ऊपर नहीं उठ रही है। मुझे लगा दिक्कत मेरी साइड। अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके जो है खेतों में गया हुआ था पहले ना, उसके बाद मैं खेतों से आया, अभी 3 बजे फिर से जाना है मेरा जो है ना कॉलेज वाले दिनों में। अब तो ये दिन जो है बहुत ही मिसिंग रहते हैं। ये वाला रास्ता होता था मेरा, इधर से मैं ऊपर से निकलता था और इधर सीधा ऊपर, बाकी बीच वाला जो जाता है ये कुनिहार के लिए और ये लिंक रोड है और ये शिमला जाता है ऊपर। और यहाँ पे ये बीच वाले रोड में जो है इसमें मैं स्टंट वगैरह करता हूँ बीच में, अपनी स्कूटी पे या बाइक पे। कभी भी मैं घर पे आता हूँ, अब तो थोड़ा टाइम भी थोड़ी इतनी ज़्यादा है नहीं भाई, टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी ना। वो आ गया भाई सामने से उधर, चलो ऊपर ही चलते हैं, ऊपर वाली साइड ही, ऊपर वाली साइड ही चलते हैं, कहीं ग्राउंड देखते हैं खुला जा ना। मम्मी लेकर जाना इतने दूर क्या करना, आज तो छुट्टी है मम्मी। हैं बढ़िया ना ग्राउंड हो। ये तो ताला लगा हुआ है इस पे, तो है तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अपना, तो अभी गोलू जो है अपना फ्रेंड वो ले आए, वो गया है अपने घर जो है हेलमेट लाने के लिए, क्योंकि सेफ्टी पहले और सबसे दूसरी बात जो है 31 मार्च नज़दीक है तो वो भी हेलमेट लाने गया है। वैसे तो हम अभी मैं कहा चलते हैं ऐसे ही, बोले हेलमेट लेके आता हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, तो हेलमेट ले गया। मैं कहा तब तक मैं थोड़ी रील्स वगैरह बना लेता हूँ, अकेले क्या ही रील्स बनाऊँगा, यही कि सिनेमेटिक ले सकता हूँ। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं ममलीग, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन बनता है उधर का। देखो ना बस एक चीज़ पसंद है कि जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं है कि कंटेंट के चक्कर में किसी की भी माँ बहन एक कर दो या फिर किसी की ऐसी तैसी गिरा दो, किसी को मार दो या फिर स्क्रिप्ट लिखो, नहीं भाई जेन्युइन जो होगा वो दिखाएंगे, भले ही कम लोग देखेंगे कोई बात नहीं है। एक एक चीज़ का हिसाब जो है ना ऊपर वाले के पास देना पड़ेगा, इसीलिए काम वो करो जो भाई लीगल हो, लीगल काम में कुछ नहीं लगता है। यहाँ पर रोड इतना गंदा है कि भगाने का मन भी करेगा तब भी नहीं भगा पाएंगे भाई, आधे पुर्जे यहीं रह जाएंगे, फिर समेटते रहो उनको। बता रहे भैया चल, कुछ नहीं विली मार रहा था बस, विली मारने की आदत जो है ना बड़ी गंदी होती है यार, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी सीधा रोड मिले चलो जी उठा लो। तो अभी हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं ममलीग में, और हम लोग इतने आराम आराम से चले हुए हैं ना, बस मैं ये देख रहा हूँ कि स्टंट करने के लिए 360 मारने के लिए ना कौन सी जगह बेस्ट है। रेडिएटर चल पड़ा, चल क्या चले, रुकना रुक जा, 360 मारनी थी बस, इधर मारनी जगह इधर ही दिख रही मेरे को। पहले मेरे को लगता था बाइक गिर जाएगी मेरी, अब तो इतनी बाइक डाउन चली जाती है मेरे को, तब भी ऐसा लगता है कि अब उठा लूंगा मैं। अभी मैंने 360 मारी, ये बोल रहा है ये तो तू आराम से मार लेता है, बट मुझे नहीं लगता ना, अभी अभी थोड़ा थोड़ा डर लगता है। परफेक्ट उस दिन हो जाऊंगा
जब जो है कहीं पे भी मारने के लिए बोले वहाँ पे मार के दिखाऊँ, परफेक्ट उस दिन हो जाऊँगा मैं। यहाँ से जो है मामली बाजार जो शुरू हो गया है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना? इधर रहता था अपने भाई, मतलब ऐसा होता था ना, दोनों टाइम की गलियाँ होती थी, सुबह और शाम के टाइम आना जाना जरूर होता था इधर। और हम लोग जो है इधर जो है ना भाई पैसे डालते थे ना, मैं और गोलू, और फिर लेते थे बेसन की बर्फी। भाई काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, जैसे कन्नाघाट की बर्फी जो है मशहूर है यहाँ की भाई, वैसे बिल्कुल सेम मिलती है यहाँ पर भी। और यहाँ पर मुझे लग रहा है बाजार में तो मक्खी लग, ये वाली दुकान होती थी जहाँ से हम लोग जो है बेसन वगैरह खरीदते थे और फुल खाते थे भाई। इसकी तो टैट हो जाती थी दो तीन पीस खाने के बाद, और मैं तो भाई लास्ट तक डटा रहता था इधर। मैं कहा ना भैया इधर लगेगी तगड़े वाली, क्यों इधर होता क्या, रेत ज्यादा है ना, भाग ज्यादा रही है इधर, उधर करते उस वाले पॉइंट पे। अभी जो हम लोगों ने एक जगह जो है स्टंट वगैरह कर लिए, ज़्यादा तो हम लोगों ने 360 मारी है। बाकी एक टाइम जो है मैंने व्हीली के प्रैक्टिस की, वो भी कर रहा था स्प्लेंडर पे, पर गिरते गिरते बच गया बस। उसके बाद अपनी बाइक पे ही करूँगा अभी जो है। पहले मैंने प्रैक्टिस की थी अपने रोड में, फिर उस टाइम जो मेरा अपना कैमरा ऑन था, ना कि उसका ऑफ था, वो भी वो पीछे फ़ोन पर लगा हुआ है। मैं आ जाओ आगे खड़ा हूँ मैं।